तो एक और संडे देखो, आज भी होता है फंडे या सिस्टम हो जाता है फ्लॉप, कुछ पता नहीं है। 3:15 बज रहे हैं, लोगों को बुला तो लिया है, देखते हैं क्या करते हैं आज। भाई जिम में आ रहे हैं, जिम का माहौल तो बिल्कुल फ्लॉप सा लग रहा है, बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है। मौसम अच्छा है, हमें तो मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ेगा। पानी की बोतल भर ली हमने यहाँ पे, बाकी देखो अब अच्छा मौसम है, कहीं निकल चलते हैं। उम्मीद है कि बारिश भी आई जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। अपना बढ़िया सेटअप बनाते हैं, हमने गाड़ी तो पार्क करी दी थी, या इंतज़ार करते हैं हमारी और गाड़ी का और चलते हैं यहाँ से। भाई इस गाड़ी लॉक कर दी है, ठीक है थार और आ चुकी है, पीछे लगा दो थार को। टेक इट बैक। अब गाइस बैटरी वाली गाड़ी आ चुकी है, अब हम बैटरी वाली गाड़ी से ट्रैवलिंग करेंगे आज। ओनली ईवी, नो टीवी। ये हमारा लगेज पूरा रख चुका है हमने, चार्जर भी है इमरजेंसी के लिए, चूल्हा भी है। थार वाले लोग नहीं मानते, धुआं फुआं। तो गाइस हम हमारे ड्राइव का ईवी मोड पे आ चुके हैं टोटल। वैसे तो हमारा मोबाइल यहाँ वायरलेस चार्ज हो रहा था, बट आप लोगों को ब्लॉग डिलीवर करने के लिए हमने हमारा फ़ोन उठाया है, तो इस बात का आप एहसान नहीं मानिएगा। काम तो कह रहा है हमारा ही है, तो हम ही बनाते हैं। मौसम वापस से अच्छा हो चुका है, वैसे धूप निकल गई थी, लौंडे हेल पी रहे हैं, हेल ही में ही जाएंगे ये एक टाइम बाद। तो हमारा दूसरा स्टॉपेज आ चुका है, यहाँ पे हमने एक लड़का था हमारे साथ कांगिया, वो उसको हमने पानी की बोतल लेने के लिए भेज दिया है। वो दिख नहीं रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है। बैठा यहीं था, यही खा रहा था, ये चिप्स खा के भग गया साला। चलो उसका इंतजार करते हैं और देखते हैं उसे। टोटल समझ गया, टोटल टिक्स वाला मौसम है। और साथ में चार टिक्स लेके घूम रहे हैं हम, और मौसम कह रहा अभी भी गड़बड़ ही है, पर ठीक है रोड अच्छी हो चुकी है। जी अपने बढ़िया डंडे ले आ रहा था लकड़ी के, अब आपको इससे क्या करना, आप तो आगे देखो। टोटल 43% बैटरी हो चुकी है, अब भाई को डर लग रहा है कि हम घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। खौफ है क्या तुझे भाई घर पहुंचने का? बहुत भाई बहुत, टांगे कांप रही है। इसकी टांगे कांपने लगी है सर, रास्ता देख के कह रहा हूँ माय गॉड अब क्या होगा हमारा। चलो इग्नोर करते हैं इसको, जैसे आप मेरे ब्लॉग को कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, देख रहे हो हरियाली भरी हुई है, और आज तो भीड़ भी है थोड़ी बहुत। गाइस हम अपने डैम पे आ चुके हैं, गाइस वी कैन सी द सन एंड वी कैन सी सम वाटर, दैट्स गुड। इट्स अ लॉट ऑफ वाटर, ये इतना पानी है कि हमने अभी तक पिया नहीं होगा अपने जीवन में। ये वही वाला पानी है फिर से। चलो करते हैं क्या, अपने को जाना कैसे उतर के? I'll tell you, don't worry. जाना गाइस पूरी टीम अपना सेटअप लेके आ रही है, ये थोड़े से फ्रूट जूस रखे हैं, बट क्या करें अब हम जा रहे हैं। मिला आ रही है मेरे को तो। ओह माय गॉड मुझे भी। तो गाइस हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन आ चुकी है स्नैप बनाने की, स्नाइपर और फ्रूट जूस रेडी हैं। ये हम आ चुके हैं पहले गेट पे, टोटल लास्ट भाई पानी बहुत ज़्यादा है गाइस, यहाँ पर हमने फ्रूट जूस पिया और नहाया भी है। ओहो पानी टोटल गुड है, अब हम जा रहे हैं उस तरफ कहीं। आगे बढ़ो गाइस, देखिए नीलेश भाई वहां पे स्प्रिंट मार रहे हैं क्योंकि हम पानी की बोतल ही भूल चुके हैं टोटल, और इस मजे का मतलब जगह का आनंद ले रहे हैं अब तक। स्नाइपर भाई मेरी गाइस, ये स्नाइपर बॉय है, स्नाइपर लेके आया किसी को उड़ाना हो तो। विद एटेक्स, एटेक्स है स्कोप, ठीक है एटेक्स। गाइस फाइनली हम दूसरे गेट पे आ चुके हैं, यहाँ और ज़्यादा गहरा पानी है। नीरज भाई हमारे पानी की बोतल लेके आ रहे थे, हाँ अटक गए हैं भीड़ में, देखो जी रहो। गाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं खड़ी, पास में ही है, पर एकदम से भीड़ बहुत हो गई जब हम आए थे, हमारी और एक गाड़ी और खड़ी थी। चलो तो भाई लगभग 20% तो नहीं, बट 60-70% हम रास्ता पार कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए
कितना शानदार सा व्यू दिख रहा है। हमारी टीम जा रही है आगे अपने स्नाइपर बैग चूल्हा पूल्हा हुक्का पुक्का लेके और सनसेट की ओर भरते जा रहे हैं। लेट्स गो। फ्रूट जूस हमारे हाथ में है, क्योंकि फ्रूट जूस वाले तो अब सिर्फ हम ही हैं। सबसे सेक्सी जगह लग रही है ये वाली, अब देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो यहीं जाएंगे। इतने में तो गाइस दी एंड पे आ चुके हैं हम बिल्कुल ऑलमोस्ट। आप देख रहे हो जब हम निकले थे सूरज कितनी ऊपर था, बट सूरज सूरज भी नीचे आ चुका है और ये भी हमें खैर काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। बहुत मन तो हमारा नीचे जाने का, बट नीचे आने का रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि रास्ता होता यस ये तो है, और नीचे आने का रास्ता होता तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नीचे जा चुका होता। बट सबसे बेस्ट सीन जो गाइस दिख रहा है हमें वो ये है। हाँ यार गाइस ये पहन के आंटी की चप्पल आता है जब देखो। एक तो गाइस जब से मैंने आंटी की चप्पलें पहनी हुई हैं तब से वेरी दिक्कत हो रही है मुझे आने में। बट सबसे वर्स्ट सीन जो यहाँ आने का लगा है वो ये वाला है। नीलेश यही देखने हम आए थे यहाँ। पानी में ले लें धोबी का गाइस देखिए प्राइवेट क्या सेक्स है। मैं तो चल के गया हूँ इधर से लेके पूरा वहां तक गोला घुमा उसके ऊपर। एंड वी डिड इट या वी डिड इट फाइनली। अब यहीं टेबल लगाएंगे। ओए होए 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 6-7 बार तो कब से आना बनता टोटल एंड में जाओगे। तो हमने सेटअप अपना खोलना शुरू कर दिया है एंड ये हमारा सेटअप का व्यू है आज का। ये आज का संडे हमारा देखिए रटेदार पानी फैल रहा है यहाँ पे हाथ धो रहा है। ये देखिए तो स्टेप वन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमारा चूल्हा लग चुका है विद फुल कवरिंग क्योंकि हवा तेज है। गेम खराब है गाइस यहाँ आना बहुत गेम खराब है। ओ ये तो लगता अच्छा रहा है। वॉलपेपर गाइस वॉलपेपर पिक्चर गाइस आप ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर बना लेना क्योंकि हम बनाते ब्लॉग अपनी एचडी क्वालिटी में ही है। यू कैन सेव इट फॉर लेटर। ये झरना तो चलता रहेगा पानी से ख़त्म नहीं होगा। ये भाई याद आया मुझे। तो गाइस सुक्का रेडी हो चुका है और मैगी का भी बन चुका है। मामला खतर मैगी खाते हैं। मौसम मत देखो कुरकुरे फुल सेटअप रेडी है गाइस। मौसम अभी बरकरार है सूरज डूब रहा है लगभग लगभग। आप तो मौसम को एंजॉय करो। भाई सबका यहाँ लग चुका है पूरा सुपड़ा साफ है और लोग आ रहे हैं अब क्या करें। हमारी टेबल नीचे लगी हुई है। फाइनली मैगी बन चुकी है और सनसेट भी हो चुका है। बिकॉज वी कम सी द सन एज क्लियर एज वी वॉन्ट। अब नेक्स्ट मैगी बन रही है हमारी। चीज़ ही चीज़ बढ़ गया। 7 बज चुके हैं और डेस्टिनेशन चेंज कर ली हम लोगों ने। हमारी मैगी और सिस्टम आ चुका है ऊपर। मौसम खैर काफ़ी अच्छा हो चुका है और पिंक बादल दिख रहे हैं हमें। अब नॉर्दर्न लाइट्स इन ग्वालियर भाई देखा कभी अपने ग्वालियर में ऐसा नहीं। काफ़ी लंबा रास्ता है हमें कवर करना है 1 किलोमीटर का। जो लोग हमारे आसपास इधर उधर घूम रहे थे वो उधर जा चुके हैं। पानी का फ्लो वहाँ कैसा और यहाँ कैसा हो गया भाई देखिए। वहाँ आए थे तब कैसा था सही है। वहाँ पानी बिल्कुल स्टिल है और यहाँ पे पानी फुल धमक के साथ है। गाइस फाइनली 3rd सेट ऑफ मैगी बन चुकी है और पानी का भाव इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है कि आप आवाज़ सुनो। गाइस पानी बहुत तेज़ हो चुका है। अब यहाँ से चेकआउट का समय आ चुका है। हमारी स्नाइपर एंड बैकपैकिंग हो चुकी है। तो गाइस फाइनली चेकआउट का समय आ चुका है और ऑलमोस्ट रात के 7:30 बज चुके हैं। तो अंधेरा तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है। पानी पहले हम आए थे तो इधर भी नहीं था। अब देखो यहाँ पे पानी आ चुका है। चलो अब इन सीढ़ियों को पार करते हैं। ये वाला पानी तो खैर हमने डलाया था। लेट्स गो। हालांकि माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है।
चलो गाइस इन सीढ़ियों सीढ़ियाँ तो नहीं, अब इस रास्ते की तरफ बढ़ चलते हैं। फाइनली गाइस इतने संघर्ष के बाद आ चुके हैं एग्जिट पे। इट्स टाइम टू गो गो फॉर देम दैट। पता नहीं गाइस इंग्लिश में कुछ बोला इसने, आई डोंट नो। गाड़ी की बैटरी है क्या कुछ 42 है भाई, पहुंच जाएगी वाली है भाई। ये लाइट यहीं से, हाँ लाइट ऑन हो चुकी है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब इसका टेम्परेचर कम कर दे इसी का। तो गाइस इतने संघर्ष के बाद वापस से अपनी गाड़ी उठाने आ चुके हैं। इस संडे का दी एंड करते हैं। चोमू क्या दे, इसको इग्नोर करते हैं एंड लेट्स गो बैक टू पवेलियन एंड पिक अप आवर कार्स। वन इज ड्राइविंग कार, उतना कट करेगा फिर सुनेगा फिर कट करेगा, एक तो सुननी पड़ती होगी पूरी और नहीं तो क्या।